इसका मुजाहरा कई बार फरमाया और हमेशा ये कहा इब्ने अब्बास से एक बार तमाम शब में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह अलहम की जो तफसीर करने लगे तो आपने इस नुक्ता की तरफ इशारा किया कि ये लामहदूद है वक्त की कमी आयल हुई वरना भी बहुत कम बयान किया जा सकता यानी मासूमीन ने अभी वो तो बयान किया ही नहीं कि जो हमारी अकलों में समा नहीं सकते क्योंकि हमारी सब इंसान की जहीन से जहीन इंसान की अकल के लिए हद है मुझे आकर यकीन है कि रहनुमा मुतमिन रहा इस अशर और उनकी गुफ्तगु से आकर मुझे फीडबैक पर्सनल तो बहुत कम मिला के नुकात के साथ साथ चलने वाले लोग कितने हैं लेकिन इतमाही तौर पर यह सही रही कि ताज़ा फिक्र के साथ सूरह का गुफ्तगु और मेरी तालिब ने अपनी मिसाल के तीन जो सही की और कुछ लोग जो मेरे साथ चले तो मैं ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे अकेला नहीं इंसान और हैवान में बुनियादी फर्क यह है कि इंसान हैवान हकीकत पे गौर नहीं करता किसी चीज का क्योंकि इंसान का जो उसकी फसल मुमैज यह है कि वो अक्ल रखता है और वो हकायक की जस्तजू में रहता है हकीकत की तलाश में रहता है दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को हैवान से सरे फहरिस्त औसाफ के लिहाज से जो मुमैस कर देती हैं यानी डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करती हैं इंसान और हैवान में एक चीज है मोहब्बत इश्क और एक चीज है और मैंने मोहब्बत से पहले लफ्ज इश्क इसलिए बयान किया कि आयन के लफ्ज की फजीलत समझ में देखिए इश्क में भी मराकब बहुत है मोहब्बत में और मोहब्बत से यहां मुराद ये मादी जिस्मानी मोहब्बत नहीं यानी मैं जिनसी मोहब्बत की गुफ्तगू नहीं कर रहा ना ही वो मोहब्बत कहलाती है मोहब्बत का तसव्वुर यह है कि वो फितर से हो वो खैर से हो वो सच्चाई से हो वो हुस्न से हो मगर उसमें हवस दाखिल तो अगर हुस्न के हवाले से भी देखें तो हसन और खालिकीन से बड़ा हुस्न कोई नहीं और जिस घराने में हसन और हुसैन आए उस घराने से बड़ा हसीन तो ये सब लफ्ज हुस्न के माखजात हैं हसन भी हुसैन भी और यही से लफ्ज एहसान है दरुद पढ़ने सरे फहरिस्त हैं लेकिन कभी उन अवालिम पे गौर कीजिए
जो आपके नफ्स के अंदर अल्लाह ने छुपा रखा। तो तमाम आवालिम का जो रब हो उसे रब्बुल आलमीन कहते हैं, और इन तमाम आवालिम पर जिसकी रहमत हो उसे रहमत अल्लाह कहते हैं। यानी आवालिम का नफ्स इल्म की आलम की जमा आवालिम आवालिम। एक एक चीज में मोहब्बत ही को लीजिए तो मोहब्बत के अंदर कितने आवाज़ हैं। इस अंदाज से गौर कीजिए कायनात पे और अपने नफ्स पे, और हकीकत की जस्तजू कीजिए ताकि हक से पहुंचे, हक तक पहुंचे, और फिर हक की वसीयत के लायक हो सके। एक मोहब्बत के कितने रंग हैं। एक है माँ बाप से मोहब्बत, आप खुद फैसला करेंगे कि वो मोहब्बत और है। अब आप और मैं इसको लफ्जों में शायद डिफाइन ना कर सकें, लेकिन मैं मुख्तलिफ मोहब्बतें डिस्कस करूंगा। तो आप गवाही देंगे कि यकीन हर मोहब्बत लफ्ज में तो मोहब्बत ही है, लेकिन कैफियत और आलम में मुख्तलिफ। माँ बाप की मोहब्बत, एक माँ बाप को औलाद से मोहब्बत है, ये उस मोहब्बत से मुख्तलिफ। एक किसी बच्चे से मोहब्बत, ये मुख्तलिफ। एक किसी मकसद से मोहब्बत, ये उन मोहब्बतों से मुख्तलिफ है। एक बीवी से मोहब्बत, ये माँ बाप वाली और बच्चे वाली मोहब्बत से मुख्तलिफ। एक किसी दोस्त से मोहब्बत, एक वतन से मोहब्बत, एक अपने फन से मोहब्बत, एक हुनर से मोहब्बत, एक जहानत से मोहब्बत। मैं इसमें जितना भी बयान करता चला जाऊं, जिस चीज से भी इंसान मोहब्बत करता है, ये तय है कि वो मोहब्बत उस जैसी मोहब्बत नहीं है जैसी दूसरे की। तो जब एक मोहब्बत में इतने मरातिब हैं, अभी मैंने असल मरातिब पे गुफ्तगू नहीं की, यानी हर मोहब्बत के मजबूरी रास्ते जब इतनी किस्में हैं, इतने मरातिब हैं, कैफियात जुदा हैं, और वो और आलम होता है जब आप एक बच्चे से मोहब्बत करते हैं, वो और आलम होता है जब आप अपने वालिद या वालिदा से मोहब्बत करते हैं, वो और आलम होता है जब आप अपने फन और हुनर से मोहब्बत करते हैं। एक मोहब्बत भी कई आलम रखती है, और हर आलम के अंदर फिर जज्बात का एक जहान आबाद, जहान आबाद, और उस तमाम जहान और आवालिम किसकी मखलूक है, रब्बुल आलमीन ने ये जिहाद पैदा की है। तो रब्बुल आलमीन हमारे नफ्स में कितने आवालिम का रब। फिर आप मोहब्बत के एग्जाम में आ जाइए, किसी से रोहबत हुई तो किसी ने इल्तफात से देखा तो उस शख्स से आगाज बुनियादी तौर पे, दो अजनबी लोग हैं कहीं मिल रहे हैं, कहीं मुलाकात होती है, इतने लोगों में एक ही दूसरे से कुछ रग़बत कायम हो जाती है। रग़बत मोहब्बत का पहला बुनियादी आलम है, निचला आलम। फिर इस रग़बत में तरक्की हुई, पहले तो रग़बत थी, फिर बातें करते हुए एक दूसरे को पहचानते हुए उन्स हो गए। उनसियत जो है कि दूसरी मंजिल है, दूसरा रुतबा है मोहब्बत, पहले रुतबा से बुलंद। अब उन्स के बाद आप कह लें कि मुल्तफित हो गए, इल्तफात की मंजिल। अब ये पहली दोनों मंजिलों से बुलंद मंजिल, जब उनसे खास इल्तफात है। इसके बाद जब इल्तफात में इजाफा होता गया, तरक्की होती गई, तो मोहब्बत कायम हो गई। मोहब्बत रही, और अगर वो मोहब्बत बकाए जात की जरूरत बन जाए तो फिर कुरान उस मोहब्बत को मवद्दत कहता है। उसका नाम मवद्दत है, और मवद्दत जब जिस्म जान पे तारी हो जाए, जब उससे बड़ा, उससे अलग
इंसान किसी और कैफियत में अपने आप को देख ही ना पाए तो उस कैफियत का नाम है इश्क। लोगों ने इकबाल के शेर का भी बहुत गलत तर्जुमा समझा और किया भी कि बेखबर कूच पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इश्क है महवे तमाशा है लबे वहां। तो इसका आम का असर यह लिया जाता है कि अक्ल तो इश्क की इजाजत नहीं देती। बेखबर कूच पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल जो है वो खड़ी है बेचारी, बड़ी मफहूम नहीं है। इश्क है ही वही जो ताबे अक्ल, अभी इश्क ताबे अक्ल होने से मुख्तलिफ कैफियत में नहीं जाता। हाँ, अगर कोई और कैफियत है, कोई और हालत है, तो जैसे मासूम ने फरमाया कि अक्ल सिर्फ वही है जो अल्लाह की मारिफत है, तो अल्लाह की मारिफत करने वाली चीज अल्लाह इश्क भी मानता है, मोहब्बत भी मानता है, तो अल्लाह की मारिफत करने वाली कुव्वत इश्क से दूर कैसे हो सकती है? यानी अक्ल अगर अल्लाह की मारिफत करने वाली कुव्वत है तो इसी कुव्वत की जरूरियात और इसकी इसके अज़ा में शामिल है लफ्ज़ इश्क, जज्बा इश्क। इकबाल ने ये नहीं कहा कि अक्ल एक और चीज है, अक्ल है तमाशा है लबे वहां बेखतर कूद पड़ा, ये वो इश्क है जो ताबाए अक्ल इश्क है, ये कूद पड़ा आतिश नमरूद में, और वो जो आम इंसानों का की अक्ल है, जो मंजिल इश्क तक कभी पहुंच नहीं सकी, जो यतीम अकले हैं, जो कहने को अकले हैं मगर अक्ल नहीं है, वो महवे तमाशा है कि ये क्या हो रहा, ये क्या मंजिल है, जबकि मासूम का जो अमल है वो हमेशा अक्ल का साथी रहता है, वो अक्ल से जुदा नहीं हो सकता है, नहीं अक्ल होती है बातें। मासूम सलावत पढ़िए, तो ये मदारिक ये मरातिब हैं और आगे में वो मंजिलें हैं कि मैं उनकी तफसील में नहीं जा रहा, इसको मैं और बढ़ाऊं, कहीं विद्वान इंसान विद्वानी तौर पर उसने विद्वान क्या जवाब कहते हैं, तो विद्वान एक कैफियत है जहाँ आपकी रूह की सारी आपके वजूद की सारी कवर है, सिर्फ रूह इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ जिस्म इन्वॉल्व नहीं होता, वो बात चीजों में हमारा सिर्फ नफ्स इन्वॉल्व है, इसलिए वो हमें अच्छी लगे, बात हमारे जिस्म के लिए आराम दे इसलिए हमें अच्छी लगे, हमारे जिस्म की महबूब बात जरूरियात ऐसी हैं कि वो रूहानी है, लेकिन विजदानी कैफियत वो होती है कि जहाँ इंसान के अंदर जितनी कुव्वत है उसकी अक्ल, उसका जज्बा, उसका इश्क, उसका इल्म और उसकी रूह और उसका नफ्स, ये तमाम कुव्वतें इंसान की यकजा होके जिस चीज को चाहने लगे, जिस चीज के साथ इन्वॉल्व हो जाए, उस कैफियत में उस आदत को हम विजदानी कैफियत, ये विद्वान है, पूरा वजूद अपनी तमाम ताकतों के साथ इस चीज को पहचान है, जरूर पहचान। इसके बाद एक मंजिल है जिसे शबफ कहते हैं, शबफ, शबफ वो है कि अगर इश्क अपने जमाल और जलाल, इसमें दो कैफियत है, जलाल और जमाल दोनों का आरिफ हो जाए तो फिर वो हालत शरफ में चला जाए, और अगर इश्क अपने जलाल में फना और गुम हो जाए तो हालत का नाम जुनून है। ये कैफियत है, ये आवाज है, ये शरफ एक आलम है, ये शुरू एक आलम है, ये मोहब्बत भी है, ये मोहब्बत भी है, ये उन्स भी है, मगर ये तमाम हवाले एक सरसरी और इत्तेमाई लफ्ज इसमें सवार है मोहब्बत, मगर इसके अंदर कितने हवाले हैं। इस तरह लफ्ज इल्म जो है, तो एक तो इंसान की फसल मुमैयज है उसके अंदर जज्बा मोहब्बत का होना, जज्बा इश्क का,
दूसरी बात से मुमायज मैंने अर्ज किया कि जिसे हैवान से अलग कर दिया है वो है उसका इल्म, अब इल्म खुद इसी तरह मरातब रखता है। अब इल्म की अकसाम यानी सब्जेक्ट्स की बात नहीं हो रही कि मैथमेटिक्स वाला बायोलॉजी नहीं जानता, बायोलॉजी वाला जो है वो फिजिक्स को नहीं जानता, ये अलग, ये भी अवालिम है, ये सब्जेक्ट्स भी अवालिम है। ये मत कहिए कि ये कंसिडरेबल मौजू नहीं है, लेकिन मैं इससे सब्जेक्ट्स की तकसीम से ऊपर जाके आपको हकीकत इल्म के दर्जा से करीब लाना चाहता हूँ। जरूर पढ़ लीजिए दर्जे क्या है और दर्जात में आप आइए तो जो उलमा ने और फिलासफा ने जो तकसीम की है उसके मुताबिक इल्म बुनियादी तौर पे इल्म बसीत है, फिर इल्म मुरक्कब है, उसके बाद इल्म फेली, फिर इल्म इंफादी, फिर इल्म उसूली है, उसूल हासिल किया हुआ इल्म उसूली, और आखिर में जो मुकाम है वो है इल्म हुजूरी, यानी हुजूरी का। अब ब्रदर रियान साहब इसकी बेहतरीन इंग्लिश देख लेंगे अपने सब्जेक्ट के लिहाज से। मैं वो जो हमने दिन वालमा की किताबों से इस्तेफादा किया उसमें इनकी यही इसमें ट्रांसलेट किया जा सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन टेक्निकल हो सकता है, अल्फाज मुख्तलिफ हों, जरूर पढ़ लीजिए। क्यों गिरता है तो इस क्यों का जवाब है फिलोसफी।
सलाम कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। देखिए ससारे में कौन है जो आपका साथ न दे, जो हकीकत तक कौन ना पाए। लेकिन हैवान तो पहुंचता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा खसारा इंसान पहुंचता है हकीकत की जुस्तजू करता है, धुन में लगता है। मगर इंसान अल्लाह ने कई मुकाम पे कुरान में कहा कि वो हैवान से भी पस्त है, यानी अज़ल्ला मिनहुम, उनसे भी पस्तर हो जाता है, उससे भी गया गुजर। कौन सा इंसान? दो किस्म के इंसान, एक तो जो गौर नहीं करते आयात इलाही में, कायनात में, अकायद में, हिदायत में, और नहीं करते, तो उनकी मिसाल हैवान जैसे, खाना पीना वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तमाम लज्जतें वो भी उठा रहे हैं, जिस्मानी लज्जतें जो भी हैं, बालों की तरजीहें उनके पास भी हैं, आपके पास भी। तो अगर हम गौर नहीं करेंगे तो हम हैवान को अल्लाह कहता है कि जिसे मैंने अक्ल देकर भेजा और उस अक्ल को इस्तेमाल नहीं करता, फिर वो सिर्फ हैवान नहीं है, वो हैवान से भी बढ़ता है। एक चीज इतनी बड़ी नेमत मिली और उसका इस्तेमाल नहीं करता, अक्ल हिदायत तक पहुंचाती। अच्छा, एक तो ये शख्स है जो गौर नहीं करता, और एक वो इससे बड़ा गया गुजरा कम वक्त है कि जो किसी चीज को हकीकत ना हो मगर हकीकत समझता रहे और सारी जिंदगी उसके मुताबिक खुद को अमल सारे करने वाला भी समझता रहे, अकीदे को भी हक समझता रहे, और जब वहां पहुंचे जहां नतीजा निकलना है अर्श के मैदान में, तो कुरान आवाज दे वाकिफू इन्नहुम मसऊलून, वाकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, वाकिफूहुम इन्नहुम। क्या है, अजीब आवाज आएगी, इनके अमाल पूरे हैं, इनके पास इबादतें बहुत हैं, इनकी खैरात के रजिस्टर पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, जा रहे हैं जन्नत की तरफ। एक आवाज आएगी वाकिफू हम, खबरदार रोक लो इन्हें, रोक लो इन्हें, इन्नहुम मसऊलून, इनसे एक सवाल बाकी है, इनसे एक सवाल बाकी। और पैगंबर से पूछा गया कि वो सवाल क्या है, तो पैगंबर की हदीस शिया और सुन्नी किताबों में लिखी है कि वो सवाल क्या है, वे विलायत अली ये दिया भी था। अल्लाह मसूलून वे विलायत अली ये दिया भी था। उनसे आखिरी सवाल ये होगा कि ये सब कुछ तो तुम करते रहे, जिस चीज पे दीन मुकम्मल हुआ था, दीन तो तुम पेश कर रहे हो, दीनदार बन के तो आ गए हो, लेकिन दीन मुकम्मल नहीं हुआ था विलायत के बगैर। इनसे भी सवाल है कि क्या आपके मारिफत विलायत अदा किया था या नहीं, अगर नहीं किया था तो ये आमाल किसी काम नहीं आने वाले। वाकिफू हम इन्हें रोक, ये कैन नॉट एंटर, ये आगे नहीं जा सकते। तो कितना वो शख्स बदकिस्मत होगा कि जो हकीकत किसी चीज को समझता रहा, अपने ज़हन को ऐसे ही मुतमईन कर लिया कि मैंने हकीकत पा ली है, और जब हकीकत का नतीजा निकलने वाला दिन हो, उस दिन पता चले कि वो हकीकत नहीं, वो तो किसी मोहम्मद के पीछे जिंदगी गुजार रहा था, वो किसी मुबालते को हकीकत समझ रहा, वो किसी क्या कहते हैं, वो किसी अफवाह को हकीकत समझ रहा। तो विलायत के बगैर, मारिफत विलायत के बगैर दीन भी अफवाह बन जाएगा। सलावत पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इल्म के मरातिब पे बात हो रही है, और इल्म के जो मरातिब मैंने अर्ज किए, जिस तरह इल्म की बुनियादी तो किस्में, इल्म बसीत, इल्म मुरक्कब, उसी तरह जहर के भी ये दो किस्में हैं, बुनियादी किस्में जहर भी रखते हैं, जहर मुरक्कब, जहर बसीत और जहर मुरक्कब। इल्म बसीत क्या, इल्म बसीत क्या चीज है? अब मैं ज्यादा तशरीहात इसलिए नहीं करूंगा कि आप मेरे साथ साथ चलते रहे, मैं बहुत तफसीलात में जाऊं तो यकीन है मजलिस की तवालत का खदशा रहेगा, लेकिन माशाल्लाह वही बन रहा है, आप खुद पहुंच रहे हैं मेरे साथ साथ, हो सकता है कई लोग मुझसे बेहतर ये चीजें जान रहे हैं।
ऐसे अफराद भी, लेकिन इल्म बसीर क्या है? इल्म बसीर के एक चीज का इल्म हो किसी को मगर उससे खबर ना हो कि ये इल्म है। मसलन मछली तैर सकती है, उसके पास ये बहुत बड़ा इल्म है, मगर उसे इल्म नहीं है, उसे खबर नहीं है कि ये चीज जो मेरे पास है ये इल्म है। परिंदा हवा में परवाज करता है, वो इस खबर के बगैर परवाज कर रहा है कि मैं एक बहुत बड़े इल्म को सर कर रहा हूं। यानी परवाज एक इल्म है, एक फन है, एक हुनर है। परिंदा इस चीज से गाफिल है। इसी तरह अगर कोई इंसान कोई काम ऐसा कर रहा कि वो उस काम को कर तो लेता है मगर ये नहीं जानता कि ये तो एक इल्म है। तो ऐसी मुख्तलिफ कैफियात जो इंसानी जिंदगी में आ सकती हैं उन्हें हम इल्म बसीर कहते हैं। ये मरातिब इल्म है। ये बहुत सी चीजें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं कि जो बतौर इल्म बसीर हमारी लाइफ में चल रही है। इल्म मुरक्कब क्या है? आंख देख सकती है, ये इल्म बसीर है। तब को पता मेरी आंख देख सकती है, मेरे कान सुन सकते हैं, मेरा दिल धड़कता है, ये सब चीजें क्या है? क्या है कोई शख्स जिसको इस बात का पता हो कि दिल एक धड़कन रखता है, आंख देखने की कुदरत रखती है? ये हर शख्स का इल्म इल्म बसीर। इल्म मुरक्कब क्या है? इल्म मुरक्कब यह है कि आपके पास जो हुनर है, जो इल्म है, आपको इदराक भी हो कि ये एक इल्म है और इसकी हदें कहां से शुरू होती है और कहां तक। मसलन मैं भी देख रहा हूं, लेकिन एक आई स्पेशलिस्ट आया, एक डॉक्टर आ जाए तो वो सिर्फ आंख के फायदे को नहीं जानता, वो ये भी जानता कि ये कैसे देख। तो उसका इल्म इल्म बसीर से बुलंद हो के इल्म मुरक्कब हो, जबकि मेरा इल्म सिर्फ इतना है कि आप देख सकते हैं। उसका इल्म ये है कि ये आजा, ये दिल धड़कता क्यों है, ये कान सुनता क्यों है, ये आंख देख क्यों सकती है। तो अगर तो ये मज़मून आपको पसंद है तो बयान करूं, एक मौजज़ा पढ़ूं और उतर जाऊं। बराए खुशनूदी इमाम ज़मान बुलंद से बुलंद तर मासूम को इल्म के मरातिब से अगर आप पहचाने तो फिर आपको पता चले कि इल्म कितना बड़ा मौजजा है और बाब मदीना तो इल्म कितना बड़ा मौजजा है। इतना फख्र क्यों किया गया इल्म पे कि मौजजा इल्म ही से आता है, मौजजे की जड़ें इल्म में छुपी हुई है। हाँ, अब देखें ये इल्म बसीर। अच्छा, ये हो गया इल्म मुरक्कब, आपको समझ। अब आ गया जी इल्म फेली। पहले इल्म इंफाली पे बात करें, ये इस पे बात करें। इल्म फेली वो है कि मेरे अंदर कोई इल्म आए और मैं उस इल्म को इस्तेमाल करके कोई चीज ले जाता हूं, कुछ बना दू। यानी आप इल्म फेल में बदल रहा, तो ये है इल्म फेली। इसमें क्या चीज, क्या प्रोटोकॉल क्या है कि इल्म पहले है, वजूद बाद में है उस चीज का। इल्म पहले है, इजाद बाद में। दूसरा इल्म इल्म इन्फाली कि वो चीज पहले से है मगर मेरे इल्म में आ जाएगी। इसमें वजूद पहले से है, इल्म बाद में है। इन्फाली कैफियत में मसलन मैं नया नया मॉडर्न वर्ल्ड में जाऊं लिहाज से उठ के, तो मैंने कभी नहीं देखा, मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। एक कहानी थी कि जिसमें उल्टा समझम से दरवाजा खुलता, लेकिन आज मैं हैरान हूं कि मैं जाऊं और एक दरवाजा खुद बखुद
मेरे कदमों की चाप सुने और दरवाजा खुल जाए। अच्छा मेरे लिए इल्म इंफालिस ये कि ये मेरे जाने से इजाद नहीं हुआ, पहले से पता नहीं कब से दुनिया में ये इल्म मौजूद था और ये चीज लोग इंट्रोड्यूस थे, मेरे लिए ये इल्म आज इंकशाफ हुआ इसलिए ये मेरा इल्म इंफालिस। अब मैं भी बता रहा लोगों को कि भाई वहां जाओ तो दरवाजे खुद खुल जाते हैं, हमने भी वो समसम वाला दरवाजा खोल लिया। यहाँ मेरा नया टेस्ट होता है कि मैंने उसे सिक्वेंस कैसे करता हूँ।
حضرت اپنی عورتیں جو بنے ہوئے مضمون یاد کر کے آ جائیے، وہ 35 منٹ کا بنا ہوا مضمون ہے، پڑھ کے کامیابی سے ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں آپ اس نہج کے عادی نہ ہوں کہ آپ رٹا لگا کے مضمون پڑھیں، مضمون نگاری نہ کر رہے ہوں، جہاں آپ اپنے تھوڑے بہت علم کو کھنگال کے اس میں سے فقرات نکال کے پیش کر رہے ہوں، تو پروڈکٹ بالکل تازہ ہوتا ہے، پروڈکٹ اسی وقت بن رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں بسا اوقات آپ کو ذہن زیادہ دے دیتا ہوں، اس میں قصور نہیں ہوتا، وہ دیانت ہوتی ہے کہ اپنے اس پروڈکٹ کا انٹروڈکشن شروع کر دیا، ہم اس کو ادھورا نہ چھوڑیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کر قاہرہ نہ جاتے،
آپ ٹکٹ لے کر ایجپٹ نہیں جائیں گے، اسی کہ آپ کے پاس تو مکمل علم ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب کہ علم حصولی تشنگی دیتا ہے، علم حصولی کہیں کہیں شکوک اور گیپ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اس لیے وہاں جا رہے ہیں کہ آپ آنکھوں سے اس علم حصولی کو آنکھوں سے دیکھ کر ایکسپیرینس کر کے اپنے حواس کے ساتھ، اپنی فیلنگز کے ساتھ، اپنے مشاہدہ کے ساتھ ہر لحاظ سے اس علم حصولی کو ایک درجہ بلند کر دے، اور وہ آخری درجہ ہوگا جان لینے کا۔ اس علم کا نام ہے علم حضوری، کہ آپ خود وہاں حاضر ہو جائیں، اور حاضر ہو کے اب شہر آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ شہر میں حاضر ہیں، دونوں ایک دوسرے کی حضوری میں ہیں، اب ایک دوسرے کو حصولی کی نسبت کہیں زیادہ پہچانے۔ یہ کس میں؟ اچھا اب دیکھیے، اب یہ بتائیے کہ کسی چیز کا بھی جب علم ہو تو اس میں علم حصولی کی منزل تکمیل تلاش حقیقت کر دیتی ہے یا تشنا رہ جاتی ہے؟ علم حصولی جتنا بھی ہو جائے، حقیقت کی تلاش، مثال میں نے شہروں کی دے دی، حقیقت کی تلاش وہ مثالیں تھی۔ ہم حقیقت کوبرا کی بات ہے، ہم حقیقت دین کی بات ہے۔ اب پیغمبر تشریف لاتے رہے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ہے، ایک معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد ہے، احد ہے، واحد ہے، علی کل شیء قدیر ہے، رحیم ہے، غفور ہے۔ آپ سنتے گئے، ہم سب مخلوقات جو اہل ایمان کسی بھی نبی کی امت میں سے، وہ سنتے رہے، ایمان لاتے رہے، مگر یہ علم غیب سے آ رہا تھا، حضوری کی کیفیت نہیں تھی۔ کہ وہ جو گمان اٹھتے ہیں کہ پھر وہ کیسا ہوگا، وہ کیسا خدا ہے جس کو میرے حواس محسوس نہیں کرتے، وہ کیسا پروردگار ہے کہ جو نظر تو آتا نہیں مگر اسے سب کچھ نظر آتا ہے۔ اب یہ سوالات شک کی حالت میں جائیں یا تجسس، چلے شک سے بہتر ڈر سے، تجسس اور غیر مطمئن حالت، معاملے اور بھائی اطمینان حاصل کرنا تو ایک نبی کے یہاں بھی یہ منزل ہے۔ خلیل انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب معلوم کیا، جانتے ہیں صاحب وحی ہیں کہ یہ اللہ، یہ میرا پروردگار ہے، یہ مردہ کو زندہ میں بدل دیتا ہے، لیکن کہا کہ نہیں، میرے سامنے زندہ کر تاکہ جو علم ہے نا یہ اطمینان میں بدل جائے۔ پتا چلا کہ علم حضوری تو ہے، اسے علم حضوری میں بدلنا چاہتا۔ وہ جو تجسس ہے اسے کم کرنا فطرت انسان کی جستجو رہے۔ اب پیغمبر آخری رسول، تمام انبیاء کا کام ختم ہو، اور آخری رسول تکبیر کر رہے تھے، اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، کوئی اور خبر لانے والا نہیں آئے گا، اب انسان کے پاس علم تکمیل پا رہا ہے، تو جب علم کی تکمیل کے مراحل ہیں تو ایک کامل امت کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں رسول، کہ جو تجسس میں نہ رہے، جو حالت شک میں نہ رہے، اگر کوئی عقیدہ غیب کا منوا لوں تو اس عقیدہ غیب کو مان کر بھی حالت اطمینان میں ہو۔ اب رسول کی ذمہ داری ہے، اہل ایمان کے سامنے جو عرض کر رہا ہوں، اس رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس رسول کی ذمہ داری ہے کہ ایمان کی پختگی میں علم کے کتنے مدارج طے کروا سکے اس امت کو یہ رسول، وہ تمام مراحل طے کروائے۔ پچھلوں نے علم حصولی پہ سفر کو چھوڑا تھا، کیا یہ رسول بھی صرف حصولی پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ تو علم حصولی کہاں سے آئے؟ لیکن وہ ذات ایسی ہے، کہ انسان اسے جسمانی طور پہ دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ مبرہ ہے، جسم سے لامکان ہے، لامحدود ہے۔ تو دو اب میں اور مخلوق میں، اب میں اور خالق میں، یہ تو ایسا فرق ہے کہ جو کبھی کسی طریقے سے مٹ نہیں سکتا، کہ کوئی رسول یہ کہے کہ ہاں میں آج آپ کو مشاہدہ ہے خدا کرواؤں گا۔ ایک بار ہوا تھا جناب موسیٰ کے ساتھ جو گئے تھے، اپنے مشاہدے سے بھی گئے، یعنی جان ہی سے ہاتھ ہونے پر اس کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اب خصائل اس پروردگار کے دائمی یہ نہیں کہ اس زمانے میں اور تھے، ہمارے پیغمبر کے زمانے میں اور ہیں، وہ تو تغیر سے مبرہ ہے، مبرہ ہے، اس میں تغیر تبدیلیاں نہیں آتی،
वो तो अजल से अब तक वैसा है, अब ऐसे अल्लाह को मनवाने वाला रसूल और उस अल्लाह से जुड़े दूसरे भयू को मनवाने वाला रसूल कैसे दिखाए, कैसे दिखाए? जन्नत का जिक्र तो हो रहा है, कैसे दिखाए, कैसे बताए? बस दो मिसालें दे रहा हूँ। रसूल ने उस इल्मे हुसूली को कि जो अंबिया के तमाम सिलसिला से अब तक पहुंचा था, और खुद आयत रसूल में भी इल्मे हुसूली की इंतहा जितनी मुमकिन थी उसे ट्रांसफर किया। अब रसूल की जिम्मेदारी थी कि इस उम्मत के मेयारे इल्म और मेयारे यकीन को और मेयारे मारिफत को इतना बुलंद कर दे कि बाद में कोई तिश्नगी ना रहे। तो अब रसूल की जिम्मेदारी थी कि इल्मे हुसूली को इल्मे हुजूरी में बदले। अब उस रसूल ने जब तरबियत मुकम्मल कर चुके इस कौम की, एक लम्हा एक मरहला जब ये देखा कि अब पैगाम अधूरा नहीं है, अब तौहीद की मारिफत में क्या अकीदे होने चाहिए मैं पूरी तरह समझा चुका हूँ, हर चीज ट्रांसफर हो चुकी है, तरबियत मुकम्मल हो चुकी है, तालीम मुकम्मल हो चुकी है। उस वक्त ऐलान किया कि ये एक चेहरा है, इस चेहरे को हम बजबुल्ला कह रहे हैं, ये एक पहलू है इसे जबुल्ला कह रहे हैं, ये एक निशान है इसे निशानुल्ला कह रहे हैं, ये एक आंख है ये निशानुल्ला या ऐनुल्ला है। तो अब जो इल्मे हुसूली था बताया कि इल्मे हुसूली वो था, अगर हुजूरी में आना चाहते हो तो उसकी बारगाह में तो जा नहीं सकते, लेकिन जो मजहर तुम्हें दिखाया जा रहा है कहता रहे तो
कहा कि अगर कुरान के जरिए पहुंचना चाहते हो तो फिर मुझ तक पहुंचो, और अगर मुझसे आगे पहुंचना चाहते हो, मेरे वसीले को ईमान की निगाह से मानते हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह यकीन से कह रहे हो, तो फिर मैं बता रहा हूं वो सारे मज़ाहिर जो मुझ पर सालिक आते हैं, मैं अली का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। और इसीलिए ये जब मन कुल तो मौला कहा, तो उसमें सिर्फ मौला नहीं कहा कि अगर मैं वजहुल्ला हूं तो फिर अली वजहुल्ला है, अगर मैं ऐनुल्ला हूं तो फिर अली ऐनुल्ला है, अगर मैं जम्बुल्ला हूं तो अली जम्बुल्ला है, मैं मौला हूं तो अली मौला। इसमें सारे महासिन शामिल, उस लफ्ज़ से मौला वो फज़ाइल का तमाम सिलसिला कि जो उस जात के मुतअल्लिक इल्मे हुज़ूरी को इल्मे हुज़ूरी में बदलता है। तो किसी सलमान जैसे को शक नहीं पड़ा कि जब इस चेहरे को अल्लाह का चेहरा कहा जा रहा है, तो फिर आजकल जैसे पैदल फिक्र वाले लोगों की तरह, सबसे पहले तो वहां शक पड़ना चाहिए था कि फिर मगर कमाल तरबियत थी रसूल की, ना तौहीद में शक पड़ा ना मारिफत अमीर मोमिनीन में शक, यानी उन्होंने कभी मफलूक नहीं होने दिया कि जब सब कुछ ये है तो फिर इसी को अल्लाह कह लो। आज का इंसान तो बड़ी आसानी से इस चीज की तरफ मायल है, और ये अंदर छुपा हुआ शिर्क होता है इंसान जो हर वक्त उसको छोड़ के किसी को खुदा मानने को तैयार, मखलूक में तलाश करता है अपने खुदा। और मासूम आए इसीलिए थे कि आपको इस जबिलत से निकाल दे। अब जो मासूम के नाम लेकर फिर इसी जबिलत का शिकार हो गया, तो गोया उसने मासूम से कुछ भी नहीं लिया, चाहे सारी रात उनके फजाइल पढ़ता रहा। ना उन्हें परवरदिगार ना जाते अहदियत में कोई शक पड़ा और ना जाते अहदियत के मजहर में कोई शक पड़ा, इन्हें मखलूक समझते रहे उसे खालिक। आज हमारे जमाने के मोमिनीन की अक्ल इतनी बालिग हो कि वो इस लताफत को समझते हैं। ये किल्लत फिक्र है कि आसानी से वजहुल्लाह को अल्लाह बना दिया, वलीउल्लाह को अल्लाह बना दिया। ये किल्लत फिक्र, ये गुरबत फिक्र, ये मुफलिसी है अक्ल की। सलावत पर और ये वो वजहुल्लाह के पैगंबर ने बताया कि ये वजहुल्लाह है अल्लाह का चेहरा। और उस अली ने फिर जिसे मांगा, अब वो अली कुछ मांगे जो खुद वजहुल्लाह हो, और नमाज शब में मांगे तो मुहिबान हुसैन क्या मुकाम होगा उस सरकार मकाम। और अब्बास तारीफ हो क्या सूरत अब्बास से वली की, ये सिर्फ लफ्जों में बेटा नहीं है अली, यानी सिर्फ लफ्जी मिसाल नहीं है मौला से, बेटा भी है और ऐन शबीह अली अपने अली का, जिस तरह शहजाद अली अकबर हैं शबीह पैगंबर हैं, अबुल फजल अब्बास शबीह अली। तारीफ हो क्या सूरत अब्बास से वली की, आईना उठाए तो ज्यादा अपने बाबा को देखने की, अगर आईना देख रहे अब्बास उदास हो जाए बाबा की सूरत देखने तो फिर अपनी सूरत। मरातिब फजाइल सब ट्रांसफर हो, बस एक जुमला सुनने, मफाखरा था एक बार, मफाखरा कहते हैं कि अपने अपना फख्र बयान करें, जरूरत नहीं होती इस तरह की, जैसे एक बच्चा भी मबाहात और फख्र से जमीन से आसमान तक आमत रखता है मबाहात, इतने फख्र हैं। लेकिन अगर अली ये मफाखरा न करवाते अब्बास से, हम तक सनद ना आती कि अली की निगाहों में अब्बास क्या है। मौला अली के बजाय तो हर किया जाता, लेकिन अब्बास का तारुफ करवाना अली की जिम्मेदारी। तो मफाखरे में कई नुकात हैं, मैं एक अर्ज कर दूं, एक बार कहा कि अब्बास मफाखरा करो, लड़कपन है मतलब, अब बाबा मेरी क्या है, मेरी क्या जरूरत, कायनात के ईमान से मैं मफाखरा करूँ, मैं तो आपके
بیٹے ابھی عبداللہ حسین کا بھی غلام ہے. اگر نہیں میرا حکم ہے مفاخرت کرو بتاؤ اپنے باپ. مفاخرہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص کہے کہ میں پی ایچ ڈی ہوں تو دوسرا کہے تو پھر کیا ہوا میں بھی ماسٹر ہوتی ہوں, بس اس سے کم نہیں ہوتا مفاخرہ. یا تو دوسرا بھی پی ایچ ڈی ہو اور یا پھر پوسٹ ڈاکٹریٹ اوپر کا مفاخرہ یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ اس کے برابر. تصور یہ مفاخرہ جو ایک اہل عرب میں یہ ہوتا ہے, اور اس کا ذکر رسول نے حسین کے لیے مفاخرہ خود بیان فرمایا کہ جیسے اس کے ماں باپ تھے میرے ماں باپ. تو مفاخرہ معصومین تعارف کے لیے کرواتے تاکہ لوگ فضائل کو سند کے ساتھ سمجھیں, صرف صرف خیالی فضائل نہ رہے, سند معصوم مل جائے ایک دوسرے کے فضائل, ایک معصوم دوسرے کو سند. تو اب وہاں پہ سرکار سے جب کہا تو بس ایک جملہ, ابھی عباس کون ہے صرف معرفت کے لیے پہلے, اور پھر دو روز مصائب کے عباس کون ہے امیر المومنین. تو ہاتھ مان کے کہا بابا پھر میری ضرورت تو نہیں, آپ کام ہو گئے تو پھر آپ افتدا کریں. امیر المومنین فرماتے کہ ہاں پھر سنو, پہلا فخر میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ میں اس کا بیٹا ہوں, اس باپ کا بیٹا ہوں کہ جس کی جھولی کو اللہ نے اپنی پناہ قرار دی اور پھر اپنا معبود اس جھولی میں بنا. امیر المومنین پہلے بنا اب عباس کے لیے جواب میں ایسا ہی فخر چاہیے. تو عباس نے کیا جواب دیا, اور بابا اب آپ نے اجازت دی ورنہ میری مثال نہیں ہے, اب آپ کا حکم ہے میں مفاخرہ کروں. آپ نے کہا کہ آپ اس کے بیٹے ہیں کہ جس کی جوڑی اللہ نے اپنی جوڑی قرار دے دی, اور فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے دیکھ کر لوگ اس مغالطہ اور شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہے یا خدا ہے. میں ایسے باپ کا بیٹا جس کے سارے وجود میں شک پڑ جاتا ہے. کچھ لوگ موجود ہیں کہ جو شک کرتے ہیں کہ یہ بندہ نہیں یہ خدا لگتا ہے, خدا نہیں ہے مگر وہ مجھے خدا سے لگے. وہ کسی عزت رکھنے بھی مروں گا میں یہ کہوں تو زمانے کو کیوں برا سا لگے, خدا نہیں ہے. پہلے عقیدہ بیان کر دیا مگر خدا سا لگے. اب خدا سا لگنا جس کو اس میں شک ہے وہ نہ اللہ کو جانتا ہے نہ علی کو جانتا ہے, خدا نہیں ہے مگر وہ مجھے خدا اثر ہے. تو سرکار نے وہاں کہا کہ آپ کے وہ بابا ہیں جن کی جھوڑی اللہ کی جھوڑی, اور میرا بابا وہ ہے کہ جس کو لوگ اللہ سمجھتے ہیں, جس پہ اللہ ہونے کا گمان پایا جاتا ہے لوگوں کے ماں بہن. تو بس اتنے اس مفاخرے میں کافی. انہوں نے ایک اور مولانا پھر آگے کہا ایک اور سنے, انا امام الدارین, میں دارین کا, دارین یعنی دونوں جہان, اس زمانے اس جہان کا بھی اس جہان کا, عباس میں دونوں جہان کا امام ہوں, بتا تیرے پاس کیا. اور ایسا جملہ کہا سرکار وفا نے, میں آپ کی ذہانتوں کے حوالے کر رہا ہوں, خود فیصلہ کیجیے گا کہ عباس نے اب کم تو کہے گا تو مفاخرہ نہیں رہے گا, یا برابر ہو یا بڑھائے. اب ایٹ لیسٹ برابر پہ آنے کے لیے آپ کو یہ جملہ سننا میرے مولا کا, فرمایا انا امام الدارین, اور عباس نے آگے سے کہا انا اشیق الحسین, میں حسین کے عشق میں گرفتار. گویا امامت جس منزل پہ عباس نے کہا کہ میں عشق حسین اس منزل پہ ہوں, یہ درجہ امام دارین کا ہوتا ہے, اس کیفیت عشق میں میں اس منزل. یہ راز کی باتیں ان کو اگر عوام خاتوں میں دے دیا جائے, وضاحت نہ کی جائے, بہت سے خطبا اس میں سے پڑھتے ہیں وضاحت نہیں کرتے, اس سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. لیکن وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ آپ فضیلت بتائیں مگر ساتھ اس کے ساتھ ایک توضیح پیش کریں کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھی, راز کیا. یعنی حسین کا عشق آسان نہیں ہے. آج کل ایک گردش میں, اور میں پڑھ دوں ایک میسج بھی آ رہا ہے, اور یہ ہم نے پڑھا بھی ہے کتابوں میں بھی, کہ علامہ مجلسی کی خواہش رہی, دل میں امنگ اٹھتی تھی کہ میں کاش کربلا میں ہوتا اور ناصرین حسین میں. علامہ مجلسی کہتے کہ خواہش میں تو اکثر رہتے, تو ایک رات قبولیت کی رات تھی, خواب آ گئی, دیکھا امام ہے اور کیفیت جج ہے, تیر چل رہے ہیں. تو کہتے میں امام کے ساتھ ہوں اور امام کے آگے کھڑا ہوں اور امام پیچھے ہیں, کسی کے تیر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے ہی تیر چلے تو بے ساختہ طور پہ میں ایک سائڈ کو ہٹا, جیسے تیر آیا تو فطری طور پہ میں ہٹ گیا,
अटल तीर गुजर गए, मगर मुझे मान ख्याल है कि पीछे तो इमाम से इमाम को ना लग जाए। तो मैंने पलट के देखा तो हबीब इब्ने मजाहिर का हाथ था, वो इमाम और मेरे माबैन था, तीर आ रहा था, मैं हट गया था, हबीब ने हाथ आगे किया और इमाम तक जाने से पहले से अपने हाथ पे रोक दिया। उस वक्त इमाम उसे फरमाते हैं कि तुम हमारे मुहिब तो हो, लेकिन दुनिया में कोई मेरे असहाबे अरबला के बराबर नहीं हो सकता। आज तो जमाने के लोग मौलवियों को, जिसको जो मौलवी पसंद है, उसे फर्जंद ज़हरा कह रहे हैं, कोई उसे जमाने का हुसैन कह रहे हैं। जमाने का हुसैन का, जमाने का अभी इतने मज़ाहिर होना मुश्किल है, जमाने का हो लाना मुश्किल है। फर्जंद ज़हरा हर शख्स को, जिसने इमामा बांध लिया, 10 साल पुराना मौलवी हो गया, उसे आप फर्जंद ज़हरा कह लेंगे, मुज्तहिद हो जाए, चाहे जिस मंजिल पे चला जाए, आयतुल्लाह उज़्मा हो जाए, मगर फर्जंद ज़हरा ये लफ्ज़ आसान नहीं है। यही तो तबख्ती है कौम की कि हमने वो लिहाज तोड़ दिए हैं, वो दर्जे जो हमें तफहीम के लिए तरबियत में दिए गए थे, हमने उनको गिरा दिया। यक्सर फौरन इससे मुतासर हुए, सैयद भी है अमामा से फर्जंद ज़हरा। अरे फर्जंद ज़हरा, मेरा एक मौलाना से यही मुकालमा हुआ था, उन्होंने किसी से कहा दूसरे मौलाना के लिए फर्जंद ज़हरा की पोस्ट, मैंने उनसे अच्छा खासा जिसके पीछे ईसा जैसा पैगंबर नमाज पढ़ना अपने लिए एजाज समझता। बेटा हम नस्ली तौर पर सैयद हैं, उनके कई गुलामों से भी कम है अमल की सतह पे देखिए। हो सकता है गैर सैयद हमसे फजीलत रखता हो अमल में और इताअत में। क्या हैसियत है हमारा, बड़े से बड़ा आलिम ठीक है, मुझसे बेहतर है, कोई उससे बेहतर होगा, कोई उससे बेहतर होगा, उस बेहतरी को अपनी हुदूद में रखें, ना के वो नाम जो सिर्फ हुसैन से लेकर या हसन से लेकर महदी तक मखसूस है, वो नाम उठा के आप इन्हें दें तो फिर आप उनके लिए क्या कहें। सलावत मगर अब्बास जैसे बली के होते हुए हम उसे इमाम नहीं कहते। इमामत ये नहीं है कि आप मुतासर होके किसी को फर्जंद ज़हरा कह दें, किसी को जमाने का हुसैन कहना शुरू कर दें। जो भी ये कह रहा है वो बातिल का नुमाइंदा है और बातिल की परवरिश करता है। आपके साथ बहस करेंगे, नहीं ये तो ये है वो है, कुछ भी हो फर्जंद ज़हरा वही, और जमाने का हुसैन अगर कोई है तो इमाम ज़मान है। वरना हुसैन तो ऐसे हैं कि 12 में से फिर किसी ने कहा कि मैं हुसैन जैसा, हम आज भी किसी आयतुल्लाह किसी साहब को उठा के कहते कि ये हुसैन जैसे, ये जमाने के हुसैन, आइमा ने खुद को हुसैन जैसा नहीं कहा, तो और क्या करें। ले आए कोई एक भी रिवायत किसी इमाम ने कहा कि मैं जमाने का हुसैन हूं, मैं तो कह रहा हूं जैसा करके, वो कि मेरे लिए हर इमाम फर्जंद हुसैन है, आइमा ने खुद नहीं कहा। देखो हुसैन होना आसान नहीं है, खुदा बनना आसान है, हुसैन बनना बहुत मुश्किल है। अल्लाह खुदा तो हर रावण से ज्यादा बन जाता है, हुसैन के लिए तो फिर जिगर गोशे, हुसैन बनने के लिए जिगर गोशे हाथों पे देना पड़ता था, घुटनों के नेजा पे जाके कलाम करना पड़ता। तो इन दिनों में कुरान पढ़ा जा रहा है, इमाम हुसैन के लिए सारे जवाब उनसे कहते हो कि कम वक्त तो कुरान उस मुर्दा के लिए पढ़ा जाता है जो खुद ना पढ़ सके, जो मौके नेजा पे खुद पढ़ रहा है, आप कुरान से क्या बख्शेंगे, आप हदिया में पेश कर सकते हैं। मौला मैंने जो कुछ पढ़ा है मैं तोहफे में पेश कर रहा हूँ, आप बख्शने वाले कहाँ के हो, उन्हें बख्शे जो खुद नहीं पढ़ पाते। हुसैन तो मोहताज नहीं है, नौके नेजा पे भी कलाम कर, तो वो अब्बास, तो अब्बास को पहचाने। इतने फजाइल के बावजूद सरकार अब्बास को हम इमाम नहीं मानते, क्योंकि इमामत 12 के अदद में मुअय्यन है, अदद नहीं बढ़ सकता, बस वही है सरकार वफा। तदफीन के मसाइल में बस दो जुमले, 5 मिनट आगे चलेगी बात, बस इसी में खत्म कर, 2-3 मिनट में सरकार सज्जाद तशरीफ ले आए, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मौजज़ा से आए,
कि जब बनी असर वाले नाकाम हो गए चाहने में, तो वैसे भी इमाम की तदफीन इमाम ही करता है, तो मौजदा से तो आना ही था। इमाम सज्जाद ने कई हिम्मतों के सबब आना था, तालीम के लिए भी आना था कि ये कौन सा शहीद कौन सा है, किसकी कब्र कहाँ है, ये इमाम सज्जाद बता रहे थे। और इमामत का जो फरीजा था कि इमाम की तदफीन इमाम ही कर सकता है, कहते हैं कि वो कब्र जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इस कब्र में उतारा, रिवायत है इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की जो मैंने पढ़ी है उसमें ये है कि वो कब्र खुद पैगंबर के हाथों से खुदी हुई कब्र और वो छुपाई हुई एक कब्र थी जिसे पहचानने वाला, तो इमाम की तो कब्र एक आम इंसान नहीं खोल सकता, मासूम की कब्र मासूम खोलता है, मासूम को तकफीन व तजहीज मासूम देता है, और अगर बेकफन हो तो दफन भी मासूम ही करता है। जब बहन ये सारा कुछ देख चुकी, हुसैन को रो चुकी, ये 40वें के मसाइल में अभी मैं वहां तक नहीं जाता, वक्त इतना नहीं है, बस ये मंजर एक सुनने, सरकार आए मौजदा से आए, बाबा को दफन किया, इतनी देर रोते रहे बाबा, अली अकबर को पहलू में दफनाया, अली असर को सीने पे रखा, बाबा के गोशे कब्र में अली असर को भी दफनाया, पानी में अली अकबर को दफनाया, तमाम शोदा के लिए कई तबाही कब्र खोदी गई, तमाम के लिए जनाजा पड़ा, सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हर शहीद की तदफीन हो गई। उस वक्त सैयद सज्जाद कहते हैं कि आओ अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, अब आओ दरिया के किनारे, वहां मेरा वो चचा सो रहा कि जो मेरे बाबा की कुव्वत बाजू था, जो कमर का जोर था मेरे बाबा के लिए, जो फख्र था सैदानियों के लिए, जो जमानत था पर्दों के लिए, जो जलाल अली इब्ने अबी तालिब का मफर था, मैं अपने उस चचा की तरफ जा रहा हूं। जब गए साथ ये सब चल पड़े, देखा अजादारा ने हुसैन दो कब्रें सादात की ऐसी हैं, जब आप ज्यारतों पे जाएं मुशाहिदा करें, अगर नीचे जाने का मौका मिल जाए किसी जायर को, तो मैं यही पढ़ा कि दो कब्रें ऐसी हैं जो कद में छोटी कब्रें, छोटी होती लेकिन चूंकि हुसैन की कब्र में है, इसलिए सबसे छोटी कब्र करबला वालों में, शाम वालों में, आले मोहम्मद में सबसे छोटी कब्र असीरान आले मोहम्मद में शहजादी सकीना की है। और आपको हैरानी होगी क्या अजीब रिश्ता है सकीना का आवाज से, इतनी छोटी कब्र सकीना की है ना, इतनी छोटी कब्र जनाब ये बहुत बड़ा बाबा की है। अरे वो जवान था 11 साल की उम्र में इतना बड़ा था कि बाबा का निवास पूरा गया था, जब बैठते थे घोड़े पे तो आपके जो जानू थे वो घोड़े की टांगों घोड़े के जानू से मिलते थे, अब्बास के लिए दो रकाबा घोड़ा हुआ करता था, अब्बास के लिए आसान नहीं था, ऊंचे ऊंचे करके घोड़े पे अब्बास जब बैठते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि किसी सवारी पे बैठने के सबब घोड़ा दुखा है, अब्बास वजूद वो जलालत रखता था, यूं लगता था कि अब्बास अपनी कामत की वजह से इस लेवल के साथ सरकारे अब्बास इतना बड़ा अच्छा खूबसूरत हसीन कद का वाले का बाद और ये कब्र इतनी छोटी क्यों है, अल्लाह ताला ने हुसैन को सबब ये बस यही है, मैं तफसील नहीं पढ़ सकूंगा वक्त को देखते हुए, एक जुमला सुन ले कि जब सैयद शोहरा अब पूछा उन्होंने कि आका आपके चाचा चटाई मंगवाई ना, चटाई पे अब्बास के वजूद को जमा किया सैयद सज्जाद ने, बनी असद ने सवाल किया आपके ये जगह तो मशहूर थे, इनका तो कद बहुत था, आप देख नहीं रहे हो क्या, नहीं देख रहे हो, कहता मौला ये कैसे हुआ, ये कद में कमी कैसे हो गई, फरमाया कि जब मेरे बाबा अब्बास की वसीयत को छोड़ के चले गए, इन दुश्मनों ने आदा ने अशिया ने अशिया ने कुछ नहीं ये समझा कि शायद अभी अब्बास में रमक है, जान बाकी है, और कुछ के दिलों में अब्बास की अदावत थी, इन्होंने इतनी तलवारें दूसरे
सज्जा तेरा को दफना है। बनी असर ने कहा कि थोड़े फासले पे गिर जाओ, वो चले गए। अब देखा बनी असर मुंतजर है, क्यों नहीं आ रहे अभी कब्र से बाहर। सैयद सज्जाद जब करीब है परेशानी के आलम में कि कहीं सैयद सज्जाद की दुनिया से जगह तो नहीं है, देखा कि रुखसार पे रुखसार रखा हुआ।